हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सानिया, अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट प्रिवोल्स्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। सो आज मैं आपको मेरे हॉस्टल की और मेरे रूम टूर देने वाली हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा हॉस्टल का कैंपस कैसे है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो ये जो है वो हमारे हॉस्टल का मेन गेट है, वी नीड टू एंटर फ्रॉम हियर। और अभी एंट्री लेने के बाद ऑन माई राइट हैंड साइड यहाँ पे जो है आपको हॉस्टल नंबर 4, हॉस्टल नंबर 5 और जो भी एकेडमिक बिल्डिंग्स है वो सब यहाँ पर है। ऑल्सो द लाइब्रेरी इज देयर ऑन दिस साइड। एंड जो हॉस्टल नंबर 3 है एंड हॉस्टल नंबर 1 वो मेरे लेफ्ट साइड पे है। हॉस्टल नंबर 1 में मैं रहती हूँ। चलो अभी हॉस्टल नंबर 1 की तरफ जाते हैं। सो ये जो आपको सामने दिख रही है द येलो बिल्डिंग, ये हॉस्टल नंबर 3 है। और सामने जो आपको ब्रिक कलर में दिख रही है वो हॉस्टल नंबर 1 है। और यहाँ पे आपका जो भी गार्बेज रहता है रूम का आप यहाँ पर आके डंप कर सकते हो। और वो जो बिल्डिंग वहाँ पे है ये वाली, वो हमारे हॉस्टल कैंपस का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। मतलब वहाँ पे जो भी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स रहते हैं या आपको नॉर्मली जो भी स्पोर्ट्स खेलने को पसंद है, यू कैन गो एंड प्ले देयर। सो ये मेरा हॉस्टल का बिल्डिंग है। Here it is written opposite Jitya Nomer Adil, which means hostel number 1 in Russian. So totally 9 floors है हमारे हॉस्टल में। तो चलो अभी अंदर जाके देखते हैं। यहाँ से मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ। ये हॉस्टल नंबर 1 है। हॉस्टल 1 के एकदम ऑपोजिट साइड पे हॉस्टल नंबर 3 के ग्राउंड फ्लोर पे रशियन लैंग्वेजेस के लेक्चर्स और मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का, वो लेक्चर्स भी कंडक्ट किए जाते हैं। सो गाइज, दिस इज़ द कैंपस कार्ड। ये आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है एंड इसके बेसिस पे आपको सारे एकेडमिक बिल्डिंग्स और हॉस्टल्स में एक्सेस मिलता है। सो नियर द रिसेप्शन यू नीड टू स्कैन दिस कार्ड और फिर आपको एंट्री मिलती है। वो चलो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि हम हॉस्टल में कैसी एंट्री लेते हैं। तो ये हमारी अखराना है एंड यहाँ पे जो है ये हमारा लॉन्ड्री है। यहाँ पे आपको आपके कपड़े ला के रखने हैं और अभी तो फ़िलहाल ये बंद है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ इन्फॉर्मेशन। सो ये हमारी लिफ्ट है, अभी हम लोग 5th फ्लोर पे जाएंगे। 5th फ्लोर पे मैं रहती हूँ। यहाँ से अभी आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 5th फ्लोर है और यहाँ से ऊपर 6th फ्लोर है। सो यहाँ पे अभी हम चलते हैं। पहले ही यहाँ पे 5th फ्लोर पे आते आते यहाँ पे गैलरी है। सो अभी हमारे मोस्टली सब लेक्चर्स ख़त्म हुए हैं तो शाम के समय, इनफैक्ट ऑल डे लॉन्ग हम लोग यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। यहाँ पे बहुत मस्त लगता है शाम के समय। तो ये 5th फ्लोर का एक साइड है, यहाँ पे एक कॉरिडोर है। पहले यहाँ पे एक कॉमन रूम है। सो ये है हमारा कॉमन रूम। यहाँ पे मेनली मीटिंग्स और गैदरिंग्स होते हैं, ये कॉमन यूज़ के लिए बेसिकली। जैसे आपने इस साइड पर भी कॉरिडोर देखा था, वहाँ पे रूम्स देखे थे, वैसे ही सेम उस दरवाजे से वहाँ पे सेम वहाँ पे और एक कॉरिडोर है और वहाँ पे भी रूम्स है और किचन वगैरह है। वहाँ पे हमारे सेकेंड ईयर के सीनियर्स रहते हैं। सो यहाँ पे कॉमन यूज़ के लिए ये दो कॉरिडोर के बीच में ये रूम है। तो अभी आगे का देखते हैं। फ्लोर के इस साइड पे सबसे पहले किचन है, उसके बाद सुशील का है, फिर उसके बाद टोटल 7 ब्लॉक्स हैं। ईच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 रूम्स, जिसमें एक डबल शेयरिंग का है, एक ट्रिपल शेयरिंग का है और एक अटैच वॉशरूम है। सो चलो अभी हम लोग कॉरिडोर से गुजरते हुए सब कुछ देखते हैं। सो कॉरिडोर में एंटर करते ही सबसे पहले आता है किचन। यहाँ पे लिखा है कुखन्या। कुखन्या मतलब रशियन में किचन को कुखन्या बोलते हैं। सो लेट्स ओपन। सो यहाँ पे ये दो बेसिन्स हैं, ये यहाँ पे एक विंडो है और यहाँ पे दो इंडक्शन्स हैं, 4 प्लेटेड इंडक्शन्स हैं। और जब भी आप खाना बनाएं
तो यू नीड टू मेक श्योर कि ये आप स्विच ऑन करें, इससे जो किचन के लाइट्स हैं वो ऑन हो जाते हैं, एज वेल जो चिमनी है किचन में वो भी चालू हो जाती है। एंड आपको चिमनी खाना बनाते समय ऑन ही रखनी है, बिकॉज खाने से जो स्मोक या फिर जो स्टीम निकलती है, अगर वो ये जो फायर सेंसर्स है उन्होंने वो कैच कर ली तो फिर फायर अलार्म्स बजना चालू हो जाता है। ये जो फायर सेंसर्स है ये पूरे हॉस्टल में लगे हुए हैं, सो व्हाइल कुकिंग जस्ट मेक श्योर कि आप वो स्विच ऑन करें। और बस इतना ही है इस किचन में। यहाँ पे एक टेबल है वेयर यू कैन डू ऑल द स्टफ लाइक चॉपिंग एंड एवरीथिंग, जो भी कुकिंग से रिलेटेड है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। सो अभी मैं आपको अगली रूम दिखाती हूँ। किचन के बाजू में जो अगली रूम है वो सुशील का है, सो अंदर जाके देखते हैं। सो ये सुशील का है, यहाँ पे आप पढ़ाई करने के लिए बैठ सकते हो, या फिर आप जो लॉन्ड्री लाते हो वो कपड़े आप यहाँ पे सुखाने के लिए रख सकते हो। ऑल्सो आप खाना खाने के लिए भी बैठ सकते हो यहाँ पे। सो दिस इज़ लाइक अ मिनी कॉमन रूम। सुशील का के बाद जो सबसे पहला ब्लॉक आता है, इस ब्लॉक में मैं रहती हूँ। 517 जो है वो ट्रिपल शेयरिंग वाला रूम है, और 518 जिसमें मैं रहती हूँ वो डबल शेयरिंग का रूम है। सो लेट्स ओपन डोर। ब्लॉक में एंटर करते ही यहाँ पे शू रैक है, और ये ट्रिपल बेडेड वाला रूम है, और ये डबल शेयरिंग का रूम है जहाँ पे मैं रहती हूँ। सो लेट्स सी। आते ही रूम में यहाँ पे हम लोग ने हमारे जैकेट्स रखे हैं, जैकेट्स और जो बैग्स पर्स वगैरह वहाँ पे हम लोग ने रखे हैं। और यहाँ पे दो बेड्स हैं। हॉस्टल आपको दो शेल्फ्स प्रोवाइड करता है, और फिर दो साइड टेबल्स, स्टडी टेबल्स, चेयर्स, ये सब कुछ आपको हॉस्टल प्रोवाइड करता है। वो इस विंडो से सेम वही व्यू दिखाई देता है जो किचन से दिखाई देता है। और यहाँ पे हम लोग ने गणेश जी और विट्ठल रखुमाई की मूर्ति रखी है। सो ये मेरा साइड है, ये शेल्फ, ये स्टडी टेबल और ये बेड। और हॉस्टल आपको एक कबर्ड भी प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विद दिस कॉमन शेल्फ, जहाँ पे आप खाने का सब कुछ रख सकते हो। ऑल्सो ये जो फ्रिज है वो हॉस्टल की तरफ से ही आपको दिया जाता है। यहाँ पे बैग्स है और हमारे डेली के जो कुछ भी है वो कपड़े सुखाने का। सो दिस इज़ माई रूम। आपको पहले वॉशरूम दिखाना भूल गई। सो यहाँ पे वॉशरूम है। एवरी ब्लॉक हैज़ इट्स ओन वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम है। और यहाँ पे अभी सारे ब्लॉक्स हैं, आई विल जस्ट शो यू क्विकली। यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पर है, और ये जो ब्लॉक है लास्ट वाला, इसमें सिर्फ एक ही रूम है फिलहाल, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। जैसे उस साइड पे गैलरी है वैसे सेम यहाँ पे भी एक गैलरी है। यहाँ से बैक साइड का व्यू दिखता है। ऐसा है मेरा रूम और मेरा हॉस्टल। अगर आपको सेम ऐसे ही कैंपस टूर चाहिए सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। उस वीडियो में मैं हमारे जो कैंपस में एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं, जो हॉस्टल्स हैं, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो सब कुछ कवर करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।